It's fine to be this, it's fine to be that. It's fine to be this, it's fine to be that. नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है. आज हम दिस और दैट का कंसेप्ट समझने जा रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी सीख पाएंगे जब आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे. ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं दिस और दैट का कंसेप्ट. दिस और दैट बेटा कहाँ यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ दिस. दिस हम कब यूज़ करते हैं बेटा? जब हम किसी भी नाउन को बताते हैं जो कि हमारे पास है. एनी पर्सन जो कि हमारे पास है, एनी प्लेस जो हमारे पास है, एनी एनिमल जो हमारे पास है, एनी बर्ड जो हमारे पास है, एनी थिंग जो हमारे पास है, दैट इज़ नियर अस, उनको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे दिस. ओके बेटा, और दैट कहाँ यूज़ करेंगे? अब दिस अगर हम यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ हमारे पास है उसको बताने के लिए, तो दैट किसको यूज़ करेंगे? जो चीज़ हमसे दूर है, और जिसको बताने के लिए हम अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं बेटा. ठीक है, तो वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट अ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग दैट इज़ फार फ्रॉम अस. फार मतलब दूर और नियर मतलब पास. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल करें समझ आ जाएगा, बहुत आसान है. दिस इज़ अ बैट, नज़दीक है बेटा, देखो पास है. दिस इज़ अ बैट. दैट इज़ अ बॉल, फिंगर यूज़ की है. दैट दूर है. ठीक है बेटा, तो क्या यूज़ किया दूर को बताने के लिए? दैट. पास वाली चीज़ को बताने के लिए क्या यूज़ किया? दिस. और दूर वाली चीज़ को बताने के लिए क्या यूज़ किया? दैट. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है बेटा, एक्सरसाइज करते हैं. बहुत छोटा सा ही लेसन है, एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले कुछ और एग्जाम्पल दूँ क्या बेटा? चलिए, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई एक बुक है. ठीक है, सो हम क्या यूज़ करेंगे? हमारे पास, बिल्कुल नज़दीक. ठीक है, हमारे पास एक बुक है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दिस. दिस इज़ अ बुक. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे दूर, हम मून के बारे में बता रहे हैं, हम चांद के बारे में बता रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? फिंगर करके ऐसे बताते हैं ना कि दैट इज़ अ मून. ठीक है बेटा, तो यानी कि हमें क्या करना है कि जो चीज़ पास होती है, जैसे कि हम किसी चेयर पे बैठे हैं, हम कह सकते हैं दिस इज अ चेयर. ठीक है, हमारे हाथ में पेन है, हम कह सकते हैं दिस इज अ पेन. ठीक है, हमारे हाथ में हैंकी है तो क्या कह सकते हैं? दिस इज माई हैंकी. ठीक है बेटा, और हमसे दूर है, हम फैन के बारे में बता रहे हैं, दैट दैट इज अ फैन. फैन है ना बेटा, छत पे लगा हुआ है, उसको बताएंगे कि दैट इज अ फैन. ठीक है बेटा, और क्या है? दैट दैट इज अ टीवी. वॉल पे लगा हुआ है, हमसे दूर लगा हुआ है. ठीक है, दूर बैठ के ही तो देखना चाहिए टीवी. ठीक है, चलिए इतना बहुत है बेटा, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा. अब देखो बेटा, ये कार है बेटा, कार है, नज़दीक है ना, तो नज़दीक के लिए, पास के लिए क्या यूज़ करेंगे? दिस इज अ कार. ये है काइट, काइट है बेटा. ठीक है, तो पास वाली चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं? दिस दिस इज अ काइट. इज एन एप्पल, एन एप्पल है बेटा. किस लिए? दूर की चीज़ को बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे? That is an apple. Is a tent. Finger भी है, finger भी mention कर रही है कि वो चीज़ दूर है हमसे, तो क्या use किया? That.
That is a tent. Is a tree. नज़दीक है बेटा, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है. नज़दीक के लिए क्या यूज़ करेंगे, ज़ोर से बोलिए. This, yes. उसके बाद दूर है. कंप्यूटर हमारा दूर है, तो क्या यूज़ करेंगे बेटा दूर. फार के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ कंप्यूटर. नज़दीक टीवी, ठीक है. पास के लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस इज अ टीवी. इज़ अ बुक, दैट इज अ बुक. दूर है ना बेटा, पास है बोल. पास के लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस. इस प्रकार की वर्कशीट बेटा आप अपने घर पर बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा. चलिए रिवाइज करते हैं. आज हमने क्या सीखा, दिस एंड दैट. दिस किस लिए यूज़ करते हैं बेटा, विच एनी थिंग पर्सन प्लेस एनिमल विच इज़ नियर टू अस. नियर मतलब पास. दैट किस लिए यूज़ करते हैं बेटा, एनी थिंग प्लेस पर्सन एनिमल विच इज़ फार फ्रॉम अस, ठीक है. दूर, जो कि हमसे दूर है, तो उसको बताने के लिए हम फिंगर का भी यूज़ कर रहे हैं. तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं, दैट. पास वाली चीज़ों को बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस, ठीक है बेटा. चलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बेटा, तभी अच्छे से समझ आती है. पुरानी वीडियोस जो डाली हुई हैं उनको भी पूरा देखिएगा बेटा. चलिए आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको वो सभी वीडियो मिलती रहें जो मैं आगे फ्यूचर में अपलोड करूँगा, ठीक है बेटा. चलिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें. वंदे मातरम.